हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद अ होमवर्क क्वेश्चन। तो ये मैंने तुम लोग को होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में और बोला भी था इसको सभी लोग अटेम्प्ट करना क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई होप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। लेट्स से दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई जी ऑफ एक्स। क्या करूं मैं, अब दोनों ग्राफ को सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्लॉट करूंगा और जहां जहां ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज माय आंसर। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ एफ एक्स। तो एफ एक्स इज अ स्टैंडर्ड कर्व, जैसे हमने पढ़ा है, ये बेसिक कर्व्स में पढ़ा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। दिस विल कीप पीरियोडिक होता है 1 यूनिट से, तो ये आगे बढ़ता रहेगा। सिमिलरली पीछे का 2-3 पीरियड का बना लेते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो इसको नंबरिंग ऑफ कर देते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड यार इट विल बी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एफ एक्स प्लॉट। अब हम सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जी एक्स प्लॉट कर लेते हैं। तो जी एक्स क्या होगा मेरा, अब देखना ध्यान से। जी एक्स क्या, एक पैराबोला है। अब इसके रूट्स भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज +2 एंड -2। तो पैराबोला ऐसा कुछ होगा, देखो एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ये एक तो +2 होगा और एक -2 होगा रूट। तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अभी मैं इसके आगे ग्राफ बना रहा हूं 2 मिनट बाद, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनना, जैसे एक तो मेरा हो गया ये अलग पॉइंट -2। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से कि जो मेरा रेड वाला ग्राफ है, अब इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम, क्या क्या हो सकती है, उसमें से कौन सी हमारी सूटेबल है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट से देखो, एक एक पॉसिबिलिटी है ग्राफ ऐसे चला जाए, एक पॉसिबिलिटी है ग्राफ ऐसे चला जाए, और भी पॉसिबिलिटी ऐसी है। जैसे मैंने इसको और बना लेता हूं इस साइड, देखना इन सभी, यही इसीलिए इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, इन सभी में से हमें एलिमिनेट करना है कि कौन सी करेक्ट वन है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में तीनों में अलग अलग नंबर ऑफ रूट्स चेंज हो जाएंगे हमारे। और एक पॉसिबिलिटी, लेट से मैं इसी को रेड कलर से बना देता हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ तो हो रही है। ठीक है, इन तीनों में से हमें लेट से डिसाइड करना है, क्योंकि अगर पहली वाली हुई, जैसे ये वाली हुई, तो 2 रूट्स आएंगे, एक तो ये, एक ये तो कॉमन रूट है सभी में। अगर दूसरी वाली हुई तो ये और ये 3 आएंगे। चौथी वाली हुई तो ये हुआ और ये हुआ हमारा। तो दिख रहा है अलग अलग तीनों पॉसिबिलिटी, लेट से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1, 2, 3। और भी टिल्ट करोगे तो और केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, बट हम अभी वो कर देंगे कि कुछ कंडीशन लगा के बोल देंगे कि सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, कुछ लॉजिक लगा के। ठीक है, तो देखते हैं क्या, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अब सॉल्व कर सकते हो तो यू कैन अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑन योर ओन। तो मैं डिस्कस करता हूँ। मैंने बोला कि अब हमें इक्वेशंस पता है इनकी, तो एक मिनट के लिए क्या किया हमने, चलो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं देखो इस पॉइंट से देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 1 है। ठीक है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 है। तो -3 में पैराबोला में रख के देख लेता हूं वैल्यू कितना दे रहा है, क्या वो 1 से बड़ा दे रहा है, 1 से ज्यादा दे रहा है। अगर 1 से बड़ा देगा इस पॉइंट पे तो ये होगा, अगर 1 से छोटा देगा तो ये होगा। क्लियर है, तो मैं देख लेता हूं एट एक्स इज इक्वल टू -3 पैराबोला की वैल्यू कितनी है। तो एक्स स्क्वायर -4 कितना हो जाएगा, 9 -4 5, विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब पैराबोला पे एक्स इज इक्वल टू -3 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आएगा कर्व। तो हमारा पहला वाला करेक्ट हुआ, इसका मतलब हमारा पहला वाला करेक्ट हुआ। दिस इज द सिनेरियो, एक्स इज इक्वल टू -3 पे ये जो वैल्यू है दिस इज 5 विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा ये सेकंड और थर्ड केस हट गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? अच्छा, और ऐसे भी कर सकते थे, देखो इस चीज को एक और तरीके से हम कर सकते थे। हालांकि हम एक और तरीके से ये बोल सकते थे कि ये वाली इक्वेशन है जो लाइन की, देखो ये x माइनस x प्लस 1 है, x प्लस 2, x प्लस 3, दिस इज x प्लस 4, दिस इज x प्लस 4। इसके साथ पैराबोला को सॉल्व कर लो। अगर इसके साथ पैराबोला को सॉल्व करोगे तो देखना तुम्हें जो रूट आएगा वो -3 और -4 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये वाला सेकंड और थर्ड केस नहीं है। क्या बोला दोबारा, x प्लस 4 को इस पैराबोला के साथ सॉल्व करो, मतलब x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू x प्लस 4 सॉल्व करो,
देन यू विल सी इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा इस इंटरवल में। वैसे तो आएगा क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो पैराबोला को आगे जाके इधर इधर कहीं जाके कट करेगा, बट इन दोनों के बीच में कोई रूट नहीं आएगा। हैंस केस ये सेकंड और थर्ड सिनेरियो नहीं हो सकता, फेवरेबल इज ओनली वन। क्लियर हो बच्चों? तो अब ये फेवरेबल हुआ तो इधर मेरे दो रूट्स आए, देखो मैं डार्क कर देता हूँ, एक ये और एक ये। अच्छा ये रूट निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या करते हैं, इस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व कर लेते हैं। तो टू फाइंड दिस रूट, लेट्स से दिस इज एक्स वन, तो एक्स वन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये x plus 1, x plus 2, x plus 3, ये भी मैंने बोला था याद रखना हमें। तो ये this is x plus 3, तो x plus 3 is equal to parabola x square minus 4, तो इधर से x square minus x minus 7 is equal to 0, clear है? तो 1 plus minus under root of 1, और ये हो गया हमारा plus 4, 8, 4, 7, sorry, minus 1 का square 1 plus 7, 4, 28 divide by 2, तो 1 plus minus under root 29 by 2, तो रूट 29 क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक 5.25 पॉइंट समथिंग। तो देखो अब 5 पॉइंट समथिंग, एक प्लस 1 लिया तो 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एक तो 3 पॉइंट समथिंग। जब माइनस का लूंगा तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, माइनस 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग। तो अब देखो ये माइनस टू है, ये माइनस टू पॉइंट समथिंग एक्स वन आ गया। अब कोई बोलेगा कि सर ये 3.3 को कैसे आया, ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, कर रहा है एक्चुअली। हमने क्या सॉल्व किया है, एक्स प्लस 3 को सॉल्व किया है, तो एक्स प्लस 3 लाइन है ना, ये आगे जाके ऐसे होगी, इधर इधर जाके ये पैराबोला कहीं तो कट करेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर हो? क्योंकि हमने जो एक्स प्लस 3 लाइन लिया, ये तो पूरी लाइन है, पूरी लाइन को इस पैराबोला के साथ सॉल्व किया, तब हमारे दो रूट्स आए, तो एक रूट तो वो एक्स वन है और आगे जाके इधर इंटरसेक्ट करेगा, विच इज 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमारा एक रूट आया माइनस टू, एक एक्स वन और एक टू। अब इधर भी हम डिस्कस कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है? तो एट प्रेजेंट हमारे पास टिल नाउ वी हैव गॉट 3 रूट्स। मैं अभी आंसर नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा 3 होगा, अभी हम इस जो हमने सिनेरियो इधर देखा उधर इधर भी हम वो पॉसिबिलिटी देख लेते क्या क्या बन रही है और उनमें से करेक्ट वाली क्या है, ठीक है? तो लेट मी रब दिस पार्ट, ठीक है? मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, ठीक है? चलो अब मैंने बोला इधर हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो अब देखना ये है एक पॉसिबिलिटी, तो सीधी सीधी ये है कि मेरा ऐसे हो जाए, ये इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी है मेरी एक ऐसी हो जाए, एक मेरी ऐसी है कि ऐसे होके ऐसी हो जाए, ये दो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखना ध्यान से, अगर मैंने पहली पॉसिबिलिटी लेट्स इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें तो एक ही रूट आ रहा है x is equal to 2, बट जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें 2 भी आ रहा है और देख ध्यान से देखो इधर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रूट्स चेंज हो जाएंगे, तो हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा कि वन करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। तो देखो इसको करने के भी दो तरीके हैं, कैसे कैसे देखना। एक काम तो मैं क्या करूं कि जो ये वाली लाइन है दैट इज दिस इज x, दिस इज x minus 1, दिस इज x minus 2, उसको पैराबोला के साथ सॉल्व कर लेता हूं। अगर उसका अगर 2 और 3 के बीच में उसका रूट आ गया तो सेकंड सिनेरियो, अगर नहीं आया तो 1 है। तो एक तरीका तो ये है मेथड 1 किस लिए बोल रहा हूं मैं, टू जज वेदर केस 1 इज दिस वन फर्स्ट सिनेरियो इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं मेथड 1 में इस लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर रहा हूं। ये लाइन क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज x माइनस 1, दिस इज x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू पैराबोला व्हिच इज x स्क्वायर माइनस 4, तो दैट इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लूँ, हाँ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8, चलो चेक क्लीन रूट आया हमारे, यह आया 1 प्लस माइनस 3 बाय 2, तो इससे पॉजिटिव लेने पे कितना आया 3 प्लस 1 4 बाय 2 इज 2 एंड माइनस लेने पे माइनस 1। तो यू कैन सी एक रूट तो 2 है वो आएगा ही, दोनों में कॉमन था, और दूसरा रूट माइनस 1 आ रहा है इधर कहीं, मतलब ये वाली 2 और 3 के बीच में रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा सिनेरियो 1 करेक्ट है, ये 2 गलत है। क्लियर हुआ? आप कोई बोलेगा माइनस 1 कैसे आ रहा है, तो माइनस 1 इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने x माइनस 2 पूरी लाइन होती है, अभी तो हमने इस ग्राफ में इतनी बनाई है क्योंकि ये ग्राफ की डेफिनेशन ही इतना ही अलाउ करती है, बट अगर मैं इसका पूरी x माइनस 1 को पूरा सॉल्व करूंगा ना तो इट इज समथिंग लाइक दिस, देखना ध्यान से, दिस इज x माइनस 2 ये, तो इसको मैं पूरी सॉल्व करूंगा इट इज समथिंग लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये माइनस 1 पे वैल्यू दे रहा है, ये माइनस 1। क्लियर हुआ? एक्चुअली वो लाइन पीछे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, वो रूट आ रहा है हमारा माइनस 1, 2 तो है ये और एक माइनस 1 इसलिए आ रहा है इस कारण से। क्लियर है? ये माइनस 1 पे और वैल्यू कितनी आ रही है वो हमारी इसमें रख दो, माइनस 1 पे माइनस 3, एक्चुअली दिस इज माइनस 3, माइनस 1 पे वैल्यू इज माइनस 3 पैराबोला की।
क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते थे देखना, मेथड टू, हम थोड़े डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पैराबोला का डेरिवेटिव क्या है, x इक्वल टू 2 dy / dx एट x इक्वल टू 2, तो कितना आ रहा है देखो 2x इसका डेरिवेटिव होगा, और x के 2 रखूंगा तो आएगा 4, तो इसका स्लोप 4 है, और जो मेरी स्ट्रेट लाइन है दिस इज x - 2 उसका स्लोप 1 है। तो सुनो, इधर मैं अलग से बना देता हूं इस उस वाले सिनेरियो को। लेट्स से ये मेरा x एक्सिस था और ये मेरी लाइन थी x - 2, ठीक है। अब हमारे दो सिनेरियो कौन कौन से बन रहे थे, एक तो ये जो करेक्ट बन था इधर से आ रहा था पैराबोला, और एक मेरा बन रहा था ये वाला, ठीक है। तो मेरा ये वाला करेक्ट था, अभी हमने देखा मेथड वन से, अब मेथड टू से बता रहा हूं। देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 1 है, और जो मेरा पैराबोला है उसका स्लोप एट x = 2 क्या है, 4 आ रहा है, और 2 के बाद बढ़ेगा ही क्योंकि जो मेरा डेरिवेटिव है dy / dx वो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। अब x के आगे तुम 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो स्लोप बढ़ेगा, तो 2 पे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब जो टेंजेंट है, अगर x = 2 पे मैंने टेंजेंट बनाया पैराबोला पे, वो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा, क्योंकि tan थीटा 4 है, इसका मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 45, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो इसका मतलब इस पैराबोला पे टेंजेंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप 1 है, तो उससे ज्यादा बनाएगा, उससे ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, सॉरी मतलब उससे ज्यादा वैल्यू होगी एंगल की, हेंस दिस इज करेक्ट। देखो इधर स्लोप हमारा ये आएगा, और इधर अगर ये वाला सिनेरियो लिया तो स्लोप 45 डिग्री से भी कम होगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ये वाली लाइन वो 45 डिग्री है, और अगर इसके नीचे से निकला ग्राफ तो लेट से ये 30 है, और इसके ऊपर से निकला तो लेट से ये 60 है। क्लियर हुआ चारों में से क्या होगा, ठीक है ना? चलो, तो इसलिए मैंने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी डाउट आता है तो रिमाइंड करके देखो, फिर मुझसे पूछ सकते हो फिर भी अगर डाउट रहता है, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं है डाउट रहेगा, वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तुम लोगों को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नया पार्ट, नया पार्ट से मतलब है कि है तो इनइक्वालिटीज का ही पार्ट, बट अब हम थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन का सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो आई एम रबिंग द बोर्ड, जस्ट कॉपी इट, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हमने क्या किया था, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स, तो उसी का है बस ग्राफ। अब हम फंक्शन क्या लेना है, पीरियोडिक, तो इधर ऐसे लिख लो सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी तो सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली ही देखेंगे हम, बट अभी जो फंक्शन इन्वॉल्व होगा ना वो पीरियोडिक होगा, जैसे टेन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो भी पीरियोडिक फंक्शन है वो इन्वॉल्व होंगे इनइक्वालिटीज में। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने लिखा सॉल्व 2 साइन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तुम्हारा तुमने सॉल्व मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्स की वैल्यूज निकालना जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। और देखो पीरियोडिक फंक्शन बोला था तो देखो साइन एक्स इन्वॉल्व है, तो करते हैं हम इसको। तो क्या किया, साइन एक्स को एक तरफ लेके आया, बाकी सब उस तरफ लिखा, फिर हम वैसे करेंगे एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स टाइप, अभी भी एट प्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको पूरा फंक्शन मान लो ये जीरो है, बट हमें 2 साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा एज कम्पेयर टू साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो रेडीमेड है हमारे पास, तो फिर नहीं तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है हमारा कि हम इस एक तरफ साइन एक्स को लिख लेते हैं और बाकी तरफ बची हुई चीज को, तो माइनस 1 हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा, तो माइनस 1 / 2। इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना, उसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। अब क्या करें, अब देखना, अब ये मेरा हो गया एफ एक्स लेट से, और ये मेरा हो गया जी एक्स, तो मैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स सॉल्व करना है। तो है कुछ नहीं, वही है जो हमने पहले पढ़ा है कि सॉल्विंग इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ, बट इधर क्या है हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, तो इसका मुझे दिखाना है तुम्हें कि हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, आप पहले तो ग्राफ बना लिया, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ। तो ये मेरा साइन एक्स हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है ना, इतना काफी अभी के लिए। अब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये तो एफ एक्स हो गया, अब जी एक्स को प्लॉट कर लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्या आएगा, इधर एक लाइन आएगी जी एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये कितना था मेरा, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखना, अब मुझे चाहिए साइन एक्स का ग्राफ ऊपर, साइन एक्स का ग्राफ ऊपर, तो मैं मार्क कर लेता हूं, देखना ये वाला पार्ट जिसमें साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है
y is equal to minus half. So this is my favorable. This is my favorable. Again, this is my favorable. ठीक है ना, जो मैं रेड कलर से अभी जो मार्क कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, दे आर माय फेवरेबल, दे उनके करस्पॉन्डिंग एक्स इज माय आंसर. तो सुनना, आप इसके लिए मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा. तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होता है, माइनस पाई बाय सिक्स पे. सो ये वाला जो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आया, दिस इज माइनस पाई बाय सिक्स. ठीक है, अच्छा अब हमें इसका भी निकालना पड़ेगा. तो ये हो गया मेरा, दिस इज पाई, तो पाई प्लस पाई बाय सिक्स, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय सिक्स माइनस वन बाय रूट वन बाय टू होता है. तो दिस इज सेवन पाई बाय सिक्स, पाई प्लस पाई बाय सिक्स. ठीक है ना, समझ में आया बच्चों. अब सुनना, अब क्या है कि अब मैं ये निकालने की जरूरत है नहीं एक्चुअली, बता रहा हूँ क्यों. सुनना क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो आंसर लिखेंगे ना किसी भी एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे. पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम उसको जनरलाइज करेंगे. तो मैंने बोला इस आंसर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ऐसे मैं मान सकता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक ये 2 पाई का पूरा एक साइकिल कवर हो गया. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक साइकिल का पहले आंसर लिख दो, एक साइकिल में मतलब एक साइकिल में इतना आंसर आ रहा है. तो कहीं से भी स्टार्ट करो, जरूरी नहीं मैंने जैसे इधर माइनस पाई बाय टू से किया, तुम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो. फिर तुम्हारा साइकिल यहां तक आएगा, जैसे अगर जीरो से स्टार्ट किया, लेट्स से दिस इज जीरो, जीरो से स्टार्ट किया तो यहां तक आएगा. फिर वो क्या होगा ना, इतना पार्ट, और फिर तुम्हें इतना भी लिखना पड़ेगा अलग से. इसलिए क्या करा हमने, अलग ऐसा इंटरवल चूज किया, बट आई हैव टू चूज कंप्लीट वन साइकिल सच दैट पूरा आंसर आ जाए एक साइकिल का. तो इस आंसर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्लोज आएगा माइनस पाई बाय सिक्स से सेवन पाई बाय सिक्स. दिस इज माई पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन. अच्छा आपको बोलेगा ये करेक्ट है क्या, हाँ ये तो करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि मेरा आंसर तो ये भी है. फॉर एग्जांपल ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज जीरो पाई, दिस इज टू पाई, दिस इज टू पाई जो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है. तो कोई बोलेगा फिर आंसर क्या करे. अब देखना, मैंने जैसे कि बोला कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू पे टू पाई एड करने पे आ जाएगा. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला ये वाली वैल्यू से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू से मतलब ये वाला पार्ट 2 पाई ऐड करने पे. तो क्या कर रहा हूं मैं, अब देखना ये तो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने क्या किया, इस दोनों में 2 एंड पाई ऐड कर दिया. तो माइनस पाई बाय सिक्स प्लस 2 एंड पाई कॉमा 7 पाई बाय सिक्स प्लस 2 एंड पाई. और मैं लिख रहा हूं यूनियन ऑफ ऑल दीज वेयर माय एन बिलोंग्स टू इंटीजर. खुद सोचो अब जैसे कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एन की वैल्यू 0 रखी तो माइनस पाई बाय सिक्स से 7 पाई बाय सिक्स आ गया, ये कवर हो गया. फिर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6. कौन सा लोकेट कर देते हैं, ये वाला इसका x कोऑर्डिनेट इज 2 पाई माइनस पाई बाय 6 और इधर आएगा 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6, तो वो इसका कोऑर्डिनेट होगा. दिस इज लिख लेना तुम लोग ये भी 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6, तो ये वाली साइकिल भी कवर हो गई. अब n की वैल्यू 2 रखोगे तो इसके बाद वाली साइकिल में जो फेवरेबल पार्ट है उसके करस्पोंडिंग x इंक्लूड हो जाएगा. तो यू कैन सी इससे हमारा पूरा आंसर आ गया. यूनियन ऑफ ऑल दिस एन ब्लॉक्स टू इंटीजर, सारे इंटीजर्स रखो इसमें और जो भी आंसर था उनका सबका यूनियन ले लो. तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग इट. ये क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, मतलब एन इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग. क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो समझ में आया होगा. ठीक है चलो, फिर आप एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट दिमाग में अच्छे से हमारे बैठ जाइए. तो बिफोर रबिंग इट यू जस्ट कॉपी इट, मैं इसको रब कर देता हूँ. ठीक है, और मैं चाहूंगा कि अगला क्वेश्चन पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो. ठीक है, क्या करना है हमें, देखो स्टार्ट कैसे करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज दिया होगा तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक तरफ लेके आएंगे, बाकी कांस्टेंट वगैरह जो भी बचेगा उसको एक तरफ. एक को एफ एक्स, एक को जी एक्स, दोनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे. अब क्या करेंगे, किसी भी एक साइकिल के लिए हम आंसर लिखेंगे और फिर उसमें जो अगर जैसे टेन एक्स यूज किया तो उसका पीरियड पाई है तो एन पाई ऐड कर देंगे. अगर हमने साइन यूज किया या कॉस अगर है हमारा तो टू एन पाई ऐड कर देंगे, मतलब जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए. ठीक है चलो, अब मैंने लिखा एग्जांपल टेन एक्स ग्रेटर देन रूट थ्री. चलो ये भी आसान है बहुत, तो तुम लोग ट्राई करो एक बार. ठीक है, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ. तो इसके लिए मुझे पहले y इजिकल टू टेन एक्स ग्राफ बनाना पड़ेगा और y इजिकल टू रूट थ्री. तो पहले मैं y इजिकल टू टेन एक्स बना लेता हूँ, एटलीस्ट दो तीन साइकिल के लिए बना लेते हैं. तो दिस इज वन साइकिल, फिर हमारा ये हुआ दूसरी साइकिल, फिर हमारा तीसरी साइकिल एंड सो ऑन. तीन साइकिल के लिए बना लिया, प्लॉट कर लेते जीरो. ये जैसे कि मैंने बोला बेसिक ग्राफ एकदम टिप्स पे होना चाहिए. ठीक है ना, थ्री पाई बाय टू, दिस इज माइनस पाई बाय टू,
माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इजिकल टू टेन एक्स। अब मैं वाई इजिकल टू रूट थ्री बना लेता हूँ, तो वाई इजिकल टू रूट थ्री मेरा ये आएगा, दिस इज वाई इजिकल टू रूट थ्री। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, टेन एक्स ऊपर होना चाहिए रूट थ्री से। इसका मतलब मैं शेड कर देता हूँ रीजन, ये प्लस ये प्लस ये एंड सो ऑन, दिस इज माई फेवरेबल रीजन, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग एक्स, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला एक्स लिखना पड़ेगा पहले। तो इसका एक्स देखते हैं, तो इस एक्स पे वाई कितना हो रहा है, रूट थ्री। टेन एक्स रूट थ्री कब होता है, जीरो टू पाई बाई टू इंटरवल में, पाई बाई थ्री पे 60 डिग्री, तो दिस इज पाई बाई थ्री, क्लियर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप सुनना। अब मैंने जैसे कि बताया था, जब भी पीरियडिक हो तो किसी एक इंटरवल के लिए लिख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो भी मेरा फेवरेबल एक्स है पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद एन पाई ऐड कर दूंगा मैं जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो इसके लिए इस इंटरवल में दिस इज वन पीरियड पाई का, टेन एक्स का पीरियड पाई होता है, दिस इज वन साइकिल। इसके अंदर फेवरेबल कितना है मेरा, इतना पार्ट है केवल, और ये कितना है पाई बाई थ्री से पाई बाई टू। पाई बाई थ्री पे भी ओपन है क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए, और पाई बाई टू पे तो ओपन रहता ही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई थ्री ओपन से पाई बाई टू ओपन। दिस इज माई नॉट कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल लिखने के लिए क्या करूं, एन पाई ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने क्या लिखूंगा इधर, क्योंकि पीरियड पाई पाई है ना, एन पाई प्लस सॉरी एन पाई कॉमा पाई बाई टू प्लस एन पाई। अब एन इजिकल टू जीरो रखे तो यही वाला आ जाएगा, एन इजिकल टू वन रखो तो क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो वो बेसिकली ये वाला आ रहा है, पाई प्लस पाई बाई थ्री से पाई प्लस पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू, ये वाला इंटरवल विच इज अगेन फेवरेबल। ये सब इंटरवल हमारे फेवरेबल है ये वाले, ठीक है। एन इजिकल टू माइनस वन रखोगे तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, ये वाला, क्लियर हुआ। तो इन सभी का यूनियन ऐसे लिखना है, यूनियन, और वेयर वेयर माय एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीट सेट, ठीक है। एन इजिकल टू वन जीरो रखोगे, वन टू थ्री, वो सारे जो सेट्स आएंगे उन सभी का यूनियन इज माय आंसर, क्लियर हुआ बच्चों। चलो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डोमेन, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूँ इसको, तुम लोग कॉपी कर लो। अब एक फ्रैक्शनल पार्ट पर ले लेते हैं, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, थ्री टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट इज पीरियोडिक, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे। तो क्या करें, जो पीरियोडिक फंक्शन उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाय थ्री। चलो अब प्लॉट कर लेते हैं दोनों ग्राफ को। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी अभी बनाया था कुछ देर पहले जो होमवर्क क्वेश्चन में, डेफ पे होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पी, ठीक है ना। इवन ये सभी लाइन की इक्वेशन, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसी तरीके से इधर आएगा, ठीक है। दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन। अब क्या करें, ये तो हो गया लेफ्ट एफ एक्स का ग्राफ, अब जी एक्स का बनाते हैं वन बाई थ्री। तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, और लाइन क्या आएगी हमारी, ये लाइन आएगी, दिस इज वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई थ्री। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर चाहिए, तो मैं एक इंटरवल बना लेते हैं, फेवरेबल कौन सा है ग्राफिकली देखना, ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम एक साइकिल के लिए फेवरेबल एक्स लिख लेते हैं, बाकी फिर हम एन पाई वगैरह जो भी इसका पीरियड होगा वो एड कर देंगे हम। तो देखना ये इंटरवल कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बस वो निकालना है मुझे। अब ये कर, ये वाली इक्वेशन की लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, अगर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू 1 बाई थ्री है, तो इधर x भी कितना होगा 1 बाई थ्री, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। तो मेरा इंटरवल क्या आ जाएगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब 1 बाई थ्री भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू 1 बाई थ्री क्लोज से 1 ओपन, 1 तो हमें तो 1 ओपन रहेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वन पे ये तो नीचे आ रहा है। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर, नॉट द फाइनल आंसर, बट दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मैं देखूंगा जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल के लिए क्या करूं, जैसे पाई पीरियड होता था तो हम एन पाई ऐड करते थे, टू पाई होता था तो टू एन पाई, टू एन पाई, इधर पीरियड वन है तो पाई है तो एन इन टू पाई,
टू पाई है तो एन इंटू टू पाई, इधर क्या करेंगे एन इंटू वन, तो मतलब एन ऐड करेंगे हम, तो इधर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू वन बाय थ्री प्लस एन कॉमा वन प्लस एन, वेयर यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट, वेयर माई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो एन इजल टू वन रखो, जीरो रखोगे तो यही आ जाएगा जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इधर लिख लो दिस इज जनरलाइज जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। तो अब देखो एन इजल टू वन रखा तो कितना आएगा फोर बाय थ्री से टू, तो वो ये आ रहा है बेसिकली, दिस इज फोर बाय थ्री से टू। फिर एन इज इक्वल टू टू रखो तो टू प्लस वन बाय थ्री वो आएगा ये वाला, से थ्री आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर हमारा ये है। तो ये जो भी मैंने ब्लू कलर में लिख रहा हूँ बोल्ड अक्षर में, ये वाले जो इंटरवल लिख रहा हूँ, दिस इज माय फेवरेबल एक्स व्हिच इज सेटिस्फाइंग दिस। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है। और कुछ होमवर्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ लेक्चर में इसके बेसिस पे भी दे दूंगा, पीरियडिक फंक्शन के बेसिस पे। और अब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे डोमेन, ठीक है। तो इसको कॉपी करो तुम लोग, मैं रब कर देता हूँ। हाँ तो अब हम देखते हैं डोमेन। तो डोमेन जैसे मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया जब हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा था, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इलस्ट्रेशंस भी काफी ज्यादा लेने वाले हैं। तो स्टार्ट तो हम बेसिक से करेंगे कि डोमेन क्या होता है। एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स का एक कंप्लीट सेट, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अभी मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिफाइन करूंगा, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्चुअली डेफिनेशन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने लिखा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो मैं क्या बोलूंगा इसका डोमेन क्या होगा। लेट्स दिस इज माय फंक्शन एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू, तो डोमेन क्या होगा इसका, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो एक्स हटा देंगे हम ऑल रियल वैल्यूज में, तो डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, थ्री एन माइनस थ्री पे। तो एक्सेप्ट थ्री एन माइनस थ्री आई कैन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, सो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस, और सिंस दीज टू आर डिस्क्रीट वैल्यूज, आई यूज डिस्क्रीट सेट माइनस थ्री कॉमा थ्री। ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में, देखना क्या है। नोट वन करके मैं लिखूं वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा, कोई फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, इसको डिफाइन होने के लिए फॉर दिस टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए फर्स्ट थिंग, फॉर दिस टू बी डिफाइंड एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, ठीक है, एंड एफ एक्स शुड नॉट बी जीरो, ठीक है ना। जैसे लिखा मैंने वन अपॉन एल एन एक्स, ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट, तो पहले तो एल एन एक्स डिफाइन होना चाहिए, एल एन एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, प्लस मतलब इंटरसेक्शन। अभी हम ये आंसर नहीं बोलेंगे, इसमें से हम वो x रिमूव करेंगे जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू वन पे, तो क्या लिखूंगा, इंटरसेक्शन x शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, ये तो लिखा x ग्रेटर देन जीरो और x नॉट इक्वल टू वन, मतलब हमारा ये है वन पे ओपन सर्कल है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, या तो ऐसे लिख लो जीरो से इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट वन, या फिर ऐसे लिख लो जीरो टू वन यूनियन वन टू इंफिनिटी वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो समझ में आया क्या लिखा, वन अपॉन एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए, एक तो एफ एक्स को अपने आप में डिफाइन होना चाहिए, प्लस एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में लिखा है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और हमें तो वही एक्स चाहिए होता है जब एक्सप्रेशन हमारा डिफाइन हो। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब मैंने लिखा कि रूट, अब इवन रूट पे आ जाते हैं, ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पार्ट, बट फिर भी लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। मैंने क्या लिखा, रूट ऑफ एफ एक्स, अच्छा रूट की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं, इवन रूट लिख रहा हूं, 2m लिख देता हूं, तो रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस फॉर दिस टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए हमारा, एक तो एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए पहली बात, फॉर दिस टू बी डिफाइंड एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एंड
एक और क्या होना चाहिए कि जो fx है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मींस एंड fx शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि fx नेगेटिव हो गया तो हमारा इवन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा विच इज अनडिफाइंड। तो जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट ऑफ लेट्स से x माइनस वन, तो मैं क्या बोलूंगा एक तो x माइनस वन डिफाइन होना चाहिए, तो x माइनस वन तो एक पॉलीनोमियल है विच इज डिफाइन फॉर एवरी x। अब क्या और होना चाहिए कि x माइनस वन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इससे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो मेरा x बिलोंग्स टू कितना आया वन क्लोज से इन्फिनिटी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हमें अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स पे हम मूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये हो गया दो पॉइंट हमारे, एक तो वन अपॉन एफ एक्स और एक इवन रूट ऑफ एफ एक्स। अच्छा अब लॉग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा, वो भी हमारा लॉग में कवर हो गया था कि लॉग का डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो लॉग में तीन चीजें याद रखते हैं, क्या होता है जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ, इसको भी नोट के फॉर्म में लिख लो, फॉर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी टू बी डिफाइन, फॉर लॉग ए टू द बेस बी टू बी डिफाइन क्या होना चाहिए, तीन कंडीशन होना चाहिए। ए मीन्स आर्ग्यूमेंट है हमारा, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बेस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री कंडीशन विल बी माई आंसर, तो लिखो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज, ये ऑलरेडी हम लॉग में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, जब हमने डोमेन ऑफ लॉग देखा था, ठीक है। तीन चीजें ये जनरली क्या होता है बच्चे लोग इसको भूल जाते हैं, बट ये हमें नहीं भूलना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू टू द बेस एक्स माइनस थ्री, ये मैंने लिखा और फिर मैंने बोला फाइंड द डोमेन। तो कैसे करें स्टार्ट, पहले आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो उससे मेरा कंडीशन क्या आएगी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, दिस इज वन दिस इज टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा, तो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो मेरा एक तो इंटरवल ये आया वन से लेफ्ट में एंड टू के राइट में। अच्छा ये तो हो गया अभी आर्ग्यूमेंट के तौर पर, अब बेस बेस का क्या है एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इधर से क्या है एक्स ग्रेटर देन थ्री, तो एक्स ग्रेटर देन थ्री है इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारा एक्स ग्रेटर देन थ्री। क्या मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर बोलूं, अभी नहीं, अभी मेरे को एक और चीज क्या करनी है कि x माइनस थ्री वन के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या लिखूं मैं x माइनस थ्री शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, तो इससे क्या है x शुड नॉट बी फोर, तो फोर और नहीं होना चाहिए इधर। अब इन दोनों का, अब इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन देखना, मैं लिख रहा हूं थ्री से इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकता हूं थ्री से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट फोर, फोर हटा दिया थ्री से इन्फिनिटी, या फिर इसी आंसर को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं थ्री टू फोर यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, क्लियर हुआ बच्चों। तो लॉग ए टू द बेस बी को डिफाइन होने के लिए हमें ए ग्रेटर देन जीरो चाहिए, बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सारे एक्स हटा देंगे हम। तो अभी हम इस, पहले मैं पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ थ्योरी पार्ट, उसके बाद हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे डोमेन के ऊपर, ठीक है, और फिर मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा तुम्हें डोमेन के ऊपर। आप देख लेते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कैसे निकालते हैं डोमेन। तो जैसे कि पहले उसका उसका भी नोट करके थियरी के फॉर्म में लिख लेते हैं कि जैसे मैंने ऐसे लिखा, नोट करके लिखना इसको तुम, साइन इनवर्स एफ एक्स या फिर कॉमा कॉस इनवर्स एफ एक्स, इंपॉर्टेंट है देखना ध्यान। मैंने कहा इस चीज को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ऑफकोर्स एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, वो तो लिखना ही है तुम्हें, तो इधर लिखो फॉर दिस टू बी डिफाइंड एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, एक तो मेरा एफ एक्स शुड बी डिफाइंड और दूसरी बात जो एफ एक्स है वो कहाँ आना चाहिए माइनस वन से वन के बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स समथिंग लिखा होता है, तो जो समथिंग है वो माइनस वन और वन के बीच में आना चाहिए, तो क्या लिखूंगा ऑल्सो एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो साइन का साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है या फिर कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री फाइंड डोमेन, तो क्या हो जाएगा मेरा एक तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिफाइन होना चाहिए, वो तो एक पॉलीनोमियल है वो तो हमेशा डिफाइन है, इसमें एक्स कुछ भी रख सकता हूं अगर मान लो साइन इनवर्स नहीं दिया होता, बट अब साइन इनवर्स के साथ दिया तो मैं क्या लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू वन एंड एट द सेम टाइम दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। अब देखना एट द सेम टाइम बोलने का मतलब क्या है कि इस दिस इज टू दो इनइक्वालिटी, एक तो ये और एक हमारी ये भी ट्रू होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये भी ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब क्या करूं मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उसका इंटरसेक्शन लूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट,
ठीक है, क्या बोला मैंने, जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है वो वन से छोटा होना चाहिए, बट इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो माइनस वन से भी छोटा हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करके इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो लेते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट। तो मेरा एक हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू वन, तो इससे आया एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इधर से मेरे दिस इज एक्स माइनस प्लस टू, या तो ये माइनस टू ये प्लस टू लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो ये हो गया हमारा फील्ड सर्कल। ये अभी मेरा आंसर नहीं हुआ, ठीक है ना, ये मेरा भी इधर एक मिनट, ये मेरा टू लिखा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। क्या बोला मैंने अभी कि ये मेरी इनइक्वालिटी है प्लस ये इनइक्वालिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो ये वाला इनइक्वालिटी क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, इधर से आया एक्स स्क्वायर माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे आएगा एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। तो मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ, देखना एक तो मेरा माइनस रूट टू आएगा इधर और एक आएगा प्लस रूट टू। अब उसमें बोला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रूट टू के राइट में और माइनस टू माइनस रूट टू के लेफ्ट में, तो देखना मेरा क्या आएगा, दिस इज लाइक दिस, फील्ड सर्कल आएगा क्योंकि इक्वालिटी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर। तो इंटरसेक्शन तुम देख सकते हो कि ये वाला पार्ट आएगा मेरा और एक मेरा ये वाला पार्ट आएगा। तो आंसर कैसे लिखूंगा, माइनस टू क्लोज से माइनस रूट टू यूनियन रूट टू क्लोज से टू क्लोज, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इन दोनों का यूनियन नहीं लेना है, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है, समझना है। अब इसी तरीके से कॉस इनवर्स के अंदर आ जाएगा कुछ, तो हमें क्या याद रखना है कि जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है वो माइनस वन और वन के बीच में होता है, वो तो लैंग्वेज फॉर्म में बोल दिया, बट मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम दो इनइक्वालिटी बनाएंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। अभी हो गया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का लेने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि टेन इनवर्स के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो जो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है बेसिकली दैट इज ऑल रियल वैल्यूज, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें तो एफएक्स कुछ भी हो हमारा, बस डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे को इधर इसी की जगह साइन इनवर्स की जगह अगर इधर टेन इनवर्स दिया होता, टेन इनवर्स दिया होता, तो विदाउट पेन एंड पेपर मैं डायरेक्टली बोलूंगा इसका डोमेन इज आर। क्यों? देखो एफएक्स जो है वो तो डिफाइन है ही हमेशा, पॉलीनोमियल है, और टेन इनवर्स के अंदर कुछ भी आए बस रियल आना चाहिए, तो डिफाइन होता है, तो टेन इनवर्स, बिकॉज टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, आर होता है ना, तो नो नीड टू वरी इट, डायरेक्टली हम बोलेंगे इसका डोमेन इज आर। क्लियर हुआ? इसलिए मैं टेन और कॉस, टेन और कॉट का नहीं लिखवाता हूं। अब हम लिख लेते कॉसेक और सेक का, तो इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। समझ में आया मैंने टेन और कॉट का क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, बिकॉज उसके लिए जो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है जो मैंने इधर एफएक्स माना था वो मेरा ऑल रियल वैल्यूज कवर कर सकता है। अब मैं इसी में ले लेता हूं एक कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एफएक्स एंड सेक इनवर्स एफएक्स। अब देखना सेक इनवर्स एफएक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, अब देखना क्या है कि देखो एक तो ऑफकोर्स एफएक्स डिफाइन होना चाहिए, प्लस जो एफएक्स है ना, अब कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रिकॉल करो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जो भी इनवर्स फंक्शन है उनके डोमेन क्या होते हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे कॉस साइन कॉस, उनके जो रेंजेस थे वो इनके डोमेन थे, तो इनके उनके कोसेक एक्स का अगर मैंने तुमसे पूछा कि रेंज क्या थी, तो क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, वो अब मेरा इधर डोमेन का काम करेगा। तो मतलब जो एफएक्स है, एफएक्स है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज अब है, या फिर मतलब जैसे, या फिर इसको मैं हिंदी में क्या बोलूंगा, और मतलब यूनियन, ये लिखना तुम, या फिर जो एफएक्स होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है, मतलब इससे जो एक्स आएंगे वो भी फेवरेबल है, इससे जो एक्स आएंगे वो भी फेवरेबल है, हेंस यूनियन ऑफ बोथ दिस। देखो इससे पहले वाले में क्या किया था, हमने इंटरसेक्शन लिया था, बिकॉज उसमें क्या हो रहा था, जो साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट है ना वो वन से छोटा होना था एंड एट द सेम टाइम माइनस वन से बड़ा होना था, इसलिए उन दोनों इनइक्वालिटी के बीच में इंटरसेक्शन आया था। बट इधर क्या है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है हमारा, हैज यूनियन ऑफ दीज टू इज माई आंसर। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पर थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूँ, जनरली बच्चे लोग यूनियन और इंटरसेक्शन में गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर चाहोगे तो एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका भी, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल सेकेंड वर्स वही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। चलो बस मैंने आर्ग्यूमेंट सेम रखा, बस बाहर फंक्शन चेंज कर दिया, तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो डिफाइन है ही, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। अब क्या करूंगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन यूनियन, पैरेलली लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जिससे क्या आएगा, एक्स माइनस टू इंटू
x plus 2 should be greater than equals to 0, और इधर से आएगा ये माइनस 2 हो जाएगा, और x माइनस रूट 2 इंटू x प्लस रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखना दोनों को एक ही लाइन पे, एक ही नंबर लाइन पे स्केल पे प्लॉट कर लेते हैं। ये माइनस 2 लेट्स से दिस इज 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो मतलब आउटसाइड द रूट्स, ये मेरा आंसर हो गया। अभी फाइनल आंसर नहीं बोलूंगा इसको, इसका यूनियन इसके साथ लूंगा। ये क्या है माइनस रूट, इसमें मैंने इधर चलो इसके नीचे प्लॉट कर लेता हूं, दिस इज माइनस रूट 2 एंड दिस इज प्लस रूट 2। लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए मतलब बिटवीन द रूट्स, तो मेरा ये हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन इज माय आंसर। तो फाइनली मैं आंसर देखो इधर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इट हियर। क्या होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस रूट 2 से रूट 2 यूनियन रूट 2 से इंफिनिटी, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या हुआ, समझ में आया ना क्या किया हमने, दोनों का यूनियन लिया है। बिकॉज ये भी मेरे फेवरेबल है, इसमें से कोई भी एक्स रखूंगा, इसमें से वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, प्लस इसमें से कोई भी एक्स रखूंगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, हैंस यूनियन ऑफ दीस टू इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक कि देखो एक बार रिकॉल करते हैं, एक तो वन अपॉन एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स को डिफाइन होना चाहिए प्लस एफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इवन रूट ऑफ एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए प्लस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर हमने log a टू द बेस b को देखा, उसमें तीन कंडीशन है कि आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, बेस ग्रेटर देन जीरो एंड बेस नॉट इक्वल टू वन। फिर हमने देखा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है इट शुड लाई बिटवीन माइनस वन से वन, उसमें दो इनइक्वालिटी बनेगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। फिर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का मैंने लिखवाया नहीं, अगर तुम चाहो तो लिख लो, उसमें तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब ऑल रियल वैल्यूज, तो इसलिए वो मेंशन नहीं किया। फिर आता है cosec inverse और sec inverse x, इसमें क्या होगा जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 से बड़ा हो या फिर मतलब यूनियन माइनस 1 से छोटा हो, तो इन दोनों ये दो इनइक्वालिटी बनेगी, इन दोनों का यूनियन इज माय आंसर। क्लियर हुआ ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब देखना कुछ मैं फंक्शन लिखवा देता हूँ जिसके डोमेन आर है, ठीक है। पहले तुम लोग खुद से एक बार वीडियो पॉज करके सोचो कि हमने अभी तक क्या क्या फंक्शन पढ़ लिए जिनके डोमेन आर है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करो, यू जस्ट राइट ऑन योर ओन, और मैं अभी लिख रहा हूँ जितना रिकॉल हो पाता है उतने हम लिखते हैं। इधर देखना मैं लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा जो यूज होगा साइन एक्स, डोमेन इज आर, कॉस एक्स डोमेन इज आर, उसके बाद इनवर्स में आते हैं हम। देखो इसके बाद फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो उसमें कोसेक नहीं ले सकते, सेक नहीं ले सकते, कॉट टेन नहीं ले सकते, कोई डिनोमिनेटर जीरो होते हैं उनमें। तो उसके बाद अब मैं इनवर्स में आता हूँ, इनवर्स में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं ले सकते क्योंकि माइनस वन से वन डोमेन है, मुझे अभी वही फंक्शन लिखना है जिनके डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है। फिर आते टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि डोमेन इज आर, टेन इनवर्स एक्स, इसके साथ साथ कौन आएगा कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद और क्या ले सकता हूँ मैं, एल एन एक्स नहीं ले सकता क्योंकि डोमेन इज जीरो ओपन से इन्फिनिटी। उसके बाद मैं ले सकता हूं कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है लिख लो इधर, पॉलिनोमियल एक्स की पावर इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक्स पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, पावर शुड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक का एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन का एक पॉलिनोमियल है, तो उन सब के डोमेन आ रहे हैं, उसमें हम x को कुछ भी रख सकते हैं। प्लस देखना एक ग्राफ है, हमने ऐसा पढ़ा था, याद करो एक इस टाइप का ग्राफ पढ़ा था हमने, जब मैंने वो x की पावर n का बताया था, तो इसमें मेरा x की पावर क्या थी, एक तो क्यूब वाली थी x क्यूब 5 7 9, और एक और क्या थी इसी टाइप का ग्राफ आया था x की पावर 1/3 1/5 1/7 एंड सो ऑन। तो इसको जनरलाइज कैसे रख सकते हैं, x की पावर 1/2m+1, तो इसका डोमेन भी आ रहा है, कुछ भी रख सकते हो x, ठीक है ना। तो एक इधर इधर ये वाला ऐड कर लेना इधर, और क्या ऐड करें हम इधर, मॉड में रख लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स, मॉड एक्स क्या है डोमेन आर है, एक्स कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हमने और क्या देखा, सिग्नम फंक्शन डोमेन आर है, कुछ भी रखो सिग्नम फंक्शन में, इट इज ऑलवेज डिफाइंड। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो भी डोमेन आर है। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो भी डोमेन आर है। और पैराबोला, पैराबोलिक तो इसमें कवर हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल में। और हमने क्या देखा, एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स डोमेन आर है। तो ये सारे फंक्शन जो मैंने अभी लिखे दे ऑल हैव डोमेन एज आर, ऐसे लिख लो, दीज ऑल हैव डोमेन एज आर, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा अब जैसे मैंने टेन का लिख लेते हैं, टेन के नीचे क्या आता है हमारा, कॉस आता है और सेक,
इन दोनों का डोमेन क्या होगा, कब डिफाइन नहीं होते, जब इनका डिनोमिनेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है cos x, वो जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। इसी प्रकार tan की जगह cot आया और sec की जगह cosec आया, तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस, इनके डोमेन में साइन आता है और साइन कब जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो r माइनस n पाई। ये एक जगह इसलिए लिखवा रहा है सो दैट तुम्हें बार बार मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े, ठीक है ना, और एकदम टिप्स पे होना चाहिए। जैसे कोई ने बोला एक्सपोनेंशियल डोमेन आर खत्म, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, जनरली देखो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो क्या टेन एक्स और कॉट एक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स डोमेन इज आर, तो बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, मोस्टली इसमें होगा। तो इसका डोमेन एकदम याद रखेंगे, ग्राफ भी याद रखेंगे, क्या था टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ऐसे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स का ऐसे जीरो से पाई के बीच में, तो ये सब चीजें एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन हमने बेसिक ग्राफ पढ़े उनके डोमेन रेंजेस वगैरह एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आगे मूव करते हैं, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। जैसे दो फंक्शन एड है तो उनका डोमेन कैसे निकालेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो उनका डोमेन कैसे निकालेंगे, डिविजन में है दो फंक्शन तो उनका डोमेन कैसे निकालेंगे, वो और देख लेते हैं हम, ठीक है, डोमेन में। हालांकि वो भी कोई नया नहीं है, नया कब आएगा जब हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, वो अब मैं इसके बाद लूंगा, ठीक है, उसमें थोड़ा कुछ नया है, बाकी अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी हम ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं किए हैं हम, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा f प्लस माइनस g, दो फंक्शन को ऐड किया fx और gx को, या फिर चलो इसी के अंदर लिख लो कॉमा f इंटू g, और f डिवाइड बाय g मैं अलग से लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा, देखना मैं क्या लिखूंगा इसमें कि इस इन दोनों इनका डोमेन क्या होगा। जैसे इसके लिए जैसे मैंने लिखा साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दो एडिशन ऑफ दो फंक्शन हो गए तो क्या होगा, मुझे क्या चाहिए एक्स जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी करे, तो इसका डोमेन निकालो इसका डोमेन निकाल लो। बट अब मैं क्या करूं दोनों डोमेन निकालने के बाद, ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे वो कॉमन एक्स चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसमें क्या लिखूंगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी, इन तीनों में एफ प्लस माइनस जी, प्लस माइनस मतलब प्लस जी, एक बार माइनस जी, और एक ले लिया एफ इंटू जी, तो उसमें भी क्या करेंगे हम दोनों का डोमेन निकालेंगे एफ और जी का, उन दोनों का इंटरसेक्शन इज माय आंसर। अब देखना इधर क्या होगा, एफ डिवाइडेड बाय जी में इसमें भी इंटरसेक्शन ही लेंगे, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन में डोमेन ऑफ जी, बट एक चीज और लिखेंगे इधर, एंड क्या होना चाहिए, जी शुड नॉट बी जीरो, जी शुड नॉट बी जीरो, अगर वो जीरो हो रहा है किसी एक्स के लिए और वो एक्स मान लो इसमें इंक्लूड हो गया तो उसको हटाएंगे हम। क्या बोला मैंने बोला कि डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी निकाला, उन्होंने का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अच्छा अब डोमेन ऑफ जी जो है वो अब देखेंगे जी कब जीरो हो रहा है, अगर वो एक्स मेरा इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया तो उसको हम रिमूव कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, क्लियर है, बहुत छोटी सी चीज है, नया नहीं है कुछ, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, मैंने बोला कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या लिखोगे तुम, इसका डोमेन तो क्या होता है साइन एक्स का आर, और इसका डोमेन क्या होता है माइनस वन क्लोज से वन क्लोज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा माइनस वन से वन, क्योंकि ऑल रियल वैल्यूज का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो वही सेट आ जाएगा, क्लियर हुआ। अच्छा जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसका हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि दोनों डिफाइन होना चाहिए, तो दोनों इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो दिस इज माय आंसर। हाँ भाई मतलब एज कोई अलग क्वेश्चन अलग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना, दोनों का डोमेन सेपरेटली निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं उससे पहले इसको रब कर देता हूं, ठीक है, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो। देखना मैंने लिया चलो अंडर रूट ऑफ, चल देखना डिफरेंस देखना एक्स माइनस वन, ये तो हो गया मेरा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस टू। अब देखना मैंने बोला फाइंड डोमेन, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना हल्का सा, क्या लगाएंगे देखो, मैंने बोला इसका डोमेन निकालना है डोमेन ऑफ दिस, तो देखो साइन एक्स प्लस टू जो है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मेरे को डोमेन निकालना है, मैंने बोला ये तो हमेशा ही डिफाइन है,
एक्स कुछ भी रखूं, ये तो हमेशा ट्रू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, सुनना, रूट के अंदर जो एंटायर फंक्शन होना चाहिए दिस शुड बी पॉजिटिव, मतलब x माइनस 1 इनटू साइन एक्स प्लस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसमें ये चीज जो है वो पॉजिटिव है हमेशा, बिकॉज 2 में अगर मैं, क्योंकि इसका रेंज माइनस 1 से 1 है, अगर माइनस 1 से 1 कोई भी नंबर में मैं 2 ऐड करूंगा तो ओवरऑल दिस विल बी पॉजिटिव। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बोल दू चाहे, या तो इसको 0 के नीचे ले गया, या फिर ऐसे बोल दू कि इस नंबर से मैंने साइन एक्स प्लस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी में कभी भी डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड। तो मेरा इधर क्या जाएगा, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इधर से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया मैंने इसको क्यों रिमूव किया, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तुम x कुछ भी रखो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल नॉट इंपैक्ट डोमेन। तो और मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, हमने इस नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो विल रिड्यूस विद दिस थिंग। क्लियर हुआ, चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2, चलो ये ले लिया मैंने। अब देखना ध्यान से, साइन एक्स माइनस 2 ये नेगेटिव नंबर है, अब सोचो ये नेगेटिव है और एक नंबर ये लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट इज x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, और ये तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर है, दिस इज नेगेटिव, तो क्या करूं मैं, इसको भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन 1 क्लोज। क्लियर हुआ, या फिर ऐसे बोल लो कि मैं sin x माइनस 2 में से क्या करूं, माइनस कॉमन ले लो, या फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 माइनस साइन x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये पहले वाले की तरह कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव नंबर है इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे डिवाइड कर दिया ऐसे मान लो, फिर मेरा क्या जाएगा, x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 1, तो यू कैन सी सही माया। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इधर, कि अगर कोई क्वांटिटी है वो जो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है तो उसको 0 के पास भेज दो, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके भेजो, ऐसे बोलेंगे कि हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव बनाया उसको और फिर हम 0 के पास लेके गए। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो कॉपी करो, मैं फर्दर एग्जाम्पल्स देखता हूँ उस पर। अच्छा मैंने लिखा है एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स माइनस 3/2, सॉल्व करो, सोचो पहले, मतलब ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा, तुम्हें पेन पेपर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, देखो कैसे, ये एक पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब पॉजिटिव है, और कॉस एक्स माइनस 3/2 है, चाहे एक्स कुछ भी रखो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब अनडिफाइन, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, फाइन, एक्स बिलोंग्स टू फाइन, एक्स कुछ भी नहीं रख सकते हम। क्लियर हुआ, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है, मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो तुम्हें इसका आंसर लिखना है। देखो अब एक मिनट के लिए मानो कि मान लो मेरे पास ये वाला पार्ट नहीं दिया होता, ये पार्ट नहीं दिया होता, आई एम वर्किंग ओनली ऑन दिस, लेट्स से दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर यू, तो क्या लिखते हैं हम इसका आंसर, ये तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन हो गया इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, रूट ऑफ एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, वो तो कॉस एक्स है, दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, मतलब उसका डोमेन तो आर होता है, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो क्या लिखता, कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं कॉस एक्स के ग्राफ पे आता हूं, तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली साइकिल, सिमिलरली ये वाली साइकिल जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, दीज आर ऑल माय आंसर्स, तो एक साइकिल के लिए आंसर लिख लेते हैं, तो इस साइकिल के लिए आंसर लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, अपना माइनस पाई बाय 2 क्लोज से पाई बाय 2 क्लोज, ये तो ये आंसर हो गया। अब इसको लाने के लिए क्या करूं, इसमें 2 पाई ऐड कर देता हूं, तो ये 3 पाई बाय 2 है, तो इसमें 2 पाई ऐड करूंगा 3 पाई बाय 2 आएगा, इधर 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करूं मैं, इसमें 2n पाई ऐड कर दिया, तो 2n पाई माइनस पाई बाय 2 कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाय 2,
तो ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, यूनियन ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स हैं, एन की अलग अलग वैल्यू रखो, एन बिलोंग्स टू इंटीजर है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, तो तुम्हें अलग अलग सेट्स मिले उन सभी का यूनियन इज माय फाइनल आंसर। तो ये तो हो गया इसका आंसर, बट अब मुझे क्या करना है, ये मेरा एक फंक्शन एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो जी एक्स का डोमेन भी निकालूंगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, जी एक्स का निकाल लेता हूँ। देखो अब जी एक्स का निकालने के लिए क्या करूंगा, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा मेरा एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर से आया, इसको पहले स्टैंडर्ड में किया तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये आया मेरा वन से टू, इक्वालिटी का साइन है तो इधर फिल्ड सर्कल आया, तो ये मेरा आंसर आया इसका। देखो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया, क्या है कि अगर जैसे मान लो तुमने पहले ये लिखा तो तुम्हें लगेगा कि यार बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट, इसका इंटरसेक्शन कैसे लें, बट अब देखना क्या करना है मुझे, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, ये तो एक फाइनाइट सेट है, तो अब मैं वो एक्स देख लेता हूं, मतलब इसके साथ जो इसका कॉमन है, तो अब देख लेते हैं हम, तो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ सेपरेटली, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, इतने पार्ट को रब कर रहा हूँ मैं। क्या बोला मैंने कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो कैसे लें इंटरसेक्शन, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं साइन कॉस एक्स की ग्राफ को बनाता हूँ, ठीक है, और इसी इंटरवल के लिए बनाता हूँ, इससे थोड़ा आसपास ज़्यादा ले लेंगे, तो लेट से मेरा एक ये हो गया, ये मेरा पाई बाय टू है, पाई बाय टू से थोड़ा ज़्यादा, ये चलो इतना बना दिया, दिस इज माय पाई बाय टू, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या था, अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ वाला उतना ग्राफ बना रहा हूँ कॉस एक्स का जितना इसके साथ कॉमन है, और आसपास का थोड़ा ज़्यादा, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज फाइनली हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, तो देखना क्या होगा, वन से टू, तो वन मेरा इधर आएगा, टू मेरा इधर आएगा, और इसके लिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो इतने पार्ट का और इतना ग्राफ, इंटरसेक्शन क्या आएगा, वन से पाई बाय टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन क्लोज से पाई बाय टू क्लोज, तो वन से पाई बाय टू इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दिस इज द ओनली कॉमन पार्ट, हेंस द आंसर इज दिस। समझ में आया क्या हुआ, हम क्या करेंगे, पहले वो आंसर वो देखेंगे जो छोटा डोमेन है, क्योंकि उसी का कोई सबसेट आने वाला है, उससे बड़ा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो सेट आता है वो बेसिकली दैट इज सबसेट ऑफ बोथ द सेट जिनका इंटरसेक्शन लिया हमने, ठीक है, तो हम छोटे वाले सेट पे कंसंट्रेट करेंगे, क्लियर हुआ। चलो अब एक आध एग्जांपल और देख लेता, ठीक है, मैंने लिया एक ये लिया, और देखना दोनों में अंतर क्या है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई, देखने में सेम लग रहे हैं बट दोनों में अंतर है, वो देख लेते हैं कैसे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, जैसे हम तो बहुत बार किए इसके, एक्स माइनस वन इंटू x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या आएगा, ये वन ये टू ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो मेरा ये आ जाएगा आंसर, ये तो गया मेरा माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज यूनियन टू क्लोज से इन्फिनिटी। अब मैं इसका देखता हूँ, तो इसके लिए क्या करूंगा, अब ये दोनों जगह सेपरेट रूट है, तो दिस इज समथिंग लाइक एफ इंटू जी, ये तो क्या था, अंडर रूट एफ इंटू जी था, ये f into g है, तो f को भी डिफाइन होना चाहिए और g को भी डिफाइन, मतलब f का डोमेन निकालेंगे, g का डोमेन निकालेंगे, और उन दोनों का इंटरसेक्शन इज माई फाइनल आंसर। तो f का डोमेन निकालने के लिए रूट के अंदर जो लिखा है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इधर से क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इधर से क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू मतलब x बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी। तो अब समझ में आया, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फंक्शन अलग है, दीज टू फंक्शन आर डिफरेंट, इसका मतलब कभी भी मैं अगर ऐसा लिखा है रूट एफ इंटू रूट जी, दिस इज नॉट इक्वल टू रूट ऑफ एफ इंटू जी, ये तो मैं बताया भी था मैंने जब स्टार्ट किया था हमने, ठीक है ना, 11th क्लास में, ठीक है ना, क्या बताया था, कब ऐसे लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव, दोनों अगर नेगेटिव है तब क्या होगा, ये दिस इज नॉट होल्डिंग, जैसे कि इधर हो रहा है हमारा, जैसे देखो दोनों नेगेटिव है मतलब इस इंटरवल में दोनों नेगेटिव होंगे, x माइनस वन और x माइनस टू, तो इस इंटरवल ये इंटरवल हमारा उसमें नहीं आ रहा है, क्या बोला था, ऐसे लिखा था, देखो रूट ए, हमने ऐसे ही नोट लिखा था, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी,
ऐसा लिखने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी शुड बी डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। इसको नोट करके दोबारा लिख लो अगर भूल गए हो तो, ठीक है ना। रूट ए इंटू रूट बी, नहीं तो अगर मान लो सेम होता, ये 100% सेम होता, आइडेंटिकल होते दोनों फंक्शन, तो हमारा इन दोनों का डोमेन अलग क्यों आता? अब दिख रहा है इधर तो डोमेन 2 से इंफिनिटी आ रहा है, इधर हमारा डोमेन अलग आ रहा है, इधर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, वो इसमें नहीं आ रहा। और वो एक्स्ट्रा होगा क्या जो इस कंडीशन को वायलेट करेगा? वो एक्स जो इस कंडीशन को वायलेट करेंगे वही इधर एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है, यू कैन वेरीफाई इट। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन में, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने के लिए पहले क्या करो, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं।